वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पर चल रही है अभी, एंड मैं बहुत ही प्यारे प्यारे सीन्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने सेकंड डे में मैं ये सिखाने वाला हूँ आपको कैसे मैंने इसे बनाया। देखो दोस्तों, जब भी आप कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वो कितना कॉम्प्लेक्स है ये मैटर नहीं करता है, वो आपके प्रोडक्ट को कैसे हाईलाइट कर रहा है ये मैटर करता है। दोस्तों इस ट्यूटोरियल के साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह से जो है प्रोडक्ट को शोकेस किया जाता है, क्योंकि मेरे पास कुछ सालों का फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस भी है जिसमें मैंने कई प्रोडक्ट के लिए काम किया, अच्छे अच्छे एंड इस तरह के सीन्स बनाए हैं। बेसिकली मैंने एनिमेशंस पर काम किया ज़्यादातर, बट क्योंकि एनिमेशन और सिंगल फ्रेम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल को बिना देर के शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं ओपन कर लूँगा एक न्यू ब्लेंडर फाइल, एंड यहाँ पर दोस्तों इस क्यूब को हम डिलीट कर देते हैं, स्लाइड को हम डिलीट कर देते हैं। अब सबसे पहले बारी आती है वो दोनों प्रोडक्ट मैंने कहाँ से ऐड किए थे। तो मैं गया था यहाँ पर अपने ब्लेंडर किट के फाइन मॉडल्स वाले ऑप्शन में, एंड यहाँ पर मैंने सिंपली लिख दिया था लिपस्टिक। अब आप चाहे तो जो है स्केच फैब वहाँ से भी कोई भी बढ़िया सा मॉडल उठा सकते हैं, मुझे यहीं से बढ़िया ये दोनों मॉडल मिल गए थे। तो मैंने जो है इन दोनों को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, एंड ये देख सकते हैं ये दोनों यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। बाकी अभी इनका साइज़ बहुत छोटा है, लाइक आप एक क्यूब यहाँ पर ऐड कीजिए तो ये क्यूब है एंड ये इतनी इतनी सी छोटी है, तो हम इन दोनों का साइज़ थोड़ा सा बढ़ाएंगे सो दैट हमें बाद में लाइटिंग में प्रॉब्लम ना हो। वरना लास्ट वीडियो में आपने देखा ही था, जब हमने जो है साइज़ बहुत ज़्यादा रखा था तो उनकी लाइटिंग में हमें दिक्कत आई थी, ठीक है ना। तो हम एक क्यूब जितना तो नहीं, बट उसके साइज़ से थोड़ा सा छोटा रखेंगे, ठीक है। एक क्यूब दोस्तों यहाँ पर वन बाय वन मीटर का होता है, सो ये हमने लाइक हाफ मीटर से थोड़ा छोटा ही रखा है, ठीक है। वैसे ये साइज़ बहुत ज़्यादा एक लिपस्टिक के लिए, बट स्टिल हमारे सीन में काम हो जाएगा। सो इन्हें देखने के लिए हम दोस्तों लुक डेप्थ मोड में स्विच करेंगे, यानी कि मटेरियल प्रीव्यू में, एंड यहाँ पर सारे जो टेक्सचर्स लोड होंगे देख सकते हैं आप, एंड इसको भी हम लोड होने देते हैं, एंड ये देख सकते हैं हमारे सारे टेक्सचर्स लोड हो गए। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं होने वाली, ठीक है, मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ अभी के लिए, या फिर बाद में लगा तो फिर से हम यहाँ से जो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे एक बैकग्राउंड नीचे प्लेन, सो यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस कर एक प्लेन ऐड करते हैं हम। अब सबसे पहले हम काम करते हैं दोस्तों, कैमरा सेटअप कर देते हैं अपना। तो इस वाले कुछ सीन पर आऊँगा मैं, एंड ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जीरो प्रेस करूँगा, एंड ये हमारा कैमरा आ गया है। ऑल्सो दोस्तों मैं आप सबके लिए अपनी स्क्रीन कास्ट की चालू कर रहा हूँ ताकि वो सब आपको यहाँ पर दिख सके। अब दोस्तों कैमरा रेजोल्यूशन की बात होती है, तो मैंने अपना एक खुद का एक सेटअप यहाँ पर कर रखा है कैमरा रेजोल्यूशन, जिसे मैं अपने हर फोटोग्राफी में इस तरह की यूज़ करता हूँ, दैट इज़ 2160x2944। आप चाहे तो इसे डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। अब हम अपनी इस लिपस्टिक को थोड़ा सा इसके पास में ऐड करेंगे, एंड थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम अपने कैमरा पर सेलेक्ट करेंगे, एन प्रेस करेंगे, यहाँ पर व्यू में आएंगे, एंड यहाँ पर हम चालू करेंगे कैमरा टू व्यू। मैं थोड़ा सा दोस्तों अपना इस सीन को इस तरह से सेटअप करूँगा ताकि हमारा जो लिपस्टिक है थोड़ा और हाइलाइटेड एंड यू नो जूम में रहे, ठीक है। ये हो गया, वापस से मैं इसे टर्न ऑफ कर देता हूँ, अब इसे बंद कर देता हूँ। अब दोस्तों साथ ही साथ हम थोड़ा सा और इस सीन को भरने के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम इन मॉडल्स को भी पीछे की तरफ डुप्लीकेट कर रख देंगे। तो हम इसको एंड इसको पहले तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स को, देन हम जो है इसे डुप्लीकेट करते हैं, पीछे की तरफ मूव करते हैं, शिफ्ट जेड प्रेस करूँगा तो ये जेड को छोड़कर हर दोनों एक्सिस में मूव करेगा। यहाँ पर मैं लाता हूँ, इन्हें यहाँ पर रख देता हूँ। अब मैं इन्हें जो है दोस्तों रोटेट कर दूँगा 90 डिग्री पर, कुछ एक्स एक्सिस में कुछ इस तरह से, एंड ओके हमारे साथ वो भी हो गया रोटेट, कोई बात नहीं, हम उसको रहने देते हैं। इसे उसे हम जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं कुछ इस तरह से, एंड इस पूरे को मैं दोस्तों थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ मूव कर देता हूँ, इस तरह से रोटेट कर देता हूँ। देन इसे भी सिलेक्ट करता हूँ मैं, इसके पूरे हायरार्की को, इस कैप को नहीं करूँगा मैं, इसे भी डुप्लीकेट करूँगा मैं वापस, इसे मैं पीछे की तरफ ऐसे मूव करूँगा, एंड इसे भी मैं दोस्तों रोटेट कर दूँगा अपने वाई एक्सिस में कुछ इस तरह से, ठीक है। देन मैं इसे जेड एक्सिस में कुछ इस तरह से रोटेट कर दूँगा, एंड इसे पीछे ले जाकर यहाँ पर शिफ्ट जेड प्रेस कर जी प्रेस करने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करूँगा, एंड यहाँ पर छोड़ दूँगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर पीछे मतलब उसने फिल कर दिया हमारा, आप चाहे तो थोड़ा और जो है पीछे कर सकते हैं ताकि और ज़्यादा मतलब आपका फिल रहे। ऑल्सो आप चाहे तो अपने कैमरे से थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, लाइक मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ यहाँ पर अपनी एजेस को भरने के लिए, एंड कुछ इस तरह से। साथ ही साथ मैं इस वाले को थोड़ा सा पास में मूव करूँगा यहाँ पर इस तरह से। अब क्या करेंगे दोस्तों, अपने कैमरा को सिलेक्ट कीजिए, कैमरा सेटिंग्स में आइए, पर्सपेक्टिव में फोकल लेंथ हम 100 सेट कर रहे हैं। अब वापस से हमें थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, तो कर देंगे वो तो हम वापस से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एंड वापस इसे बंद कर दें। नेक्स्ट हम यहाँ पर टर्न ऑन करेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड, जो कि हमारे सीन में बैकग्राउंड ब्लर देगा, एंड हम सिलेक्ट कर लेंगे इन दोनों से कोई भी एक लिपस्टिक, जाकि हमारी ये दोनों फोकस में रहे, बाकी बैकग्राउंड कुछ इस तरह से ब्लर हो जाए।
नेक्स्ट दोस्तों ग्राउंड की कलर की बात आती है, या तो आप कोई भी सॉलिड कलर यहाँ पर दे सकते हैं लाइक ऑरेंज, या फिर इन लिपस्टिक्स का इनमें से जो भी है इनका कलर भी आप इस तरह से मैच कर सकते हैं एंड देन थोड़ा सा उसके साथ जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। बट मैं एक थोड़ा अलग तरीका यहाँ पर यूज़ करूँगा, मैं दोस्तों एक ग्रेडियंट इस पर बनाऊँगा जो कि पीछे थोड़ा डार्क होगा एंड इधर थोड़ा लाइट होगा। तो अब या तो आप यहाँ पर अलग से ग्रेडियंट इमेज डाल सकते हैं, या फिर शेडर एडिटर में आइए, यहाँ पर आप सर्च कीजिए ग्रेडियंट के लिए एंड ये ग्रेडियंट टेक्सचर आ गया। यहाँ पर आप दूसरा सर्च कीजिए कलर रैम के लिए, ये कलर रैम आ गया। कलर को आप यहाँ पर फैक्टर से कनेक्ट कीजिए, यहाँ पर आपको दो कलर चूज़ करने हैं, एक डार्क कलर होगा कुछ इस तरह से एंड सेम कलर का दोस्तों एक थोड़ा सा लाइट कलर होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये वाला कलर थोड़ा डार्क होना चाहिए और डार्क कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कलर को जो है कलर से बेस कलर से सिलेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे एंड अब देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ग्रेडियंट तो बन गया बट ये सही नहीं बना अभी, तो अब आपको ये हैंडल्स थोड़े से जो है स्लाइड करने पड़ेंगे आगे पीछे एंड ऑल्सो थोड़ा सा आपको कलर वेरिएशन करना पड़ेगा। लाइक इसे आप थोड़ा और लाइट कर दीजिए एंड इसे आप थोड़ा और डार्क कर दीजिए, ठीक है। कलर वेरिएशन आ गया हमारा, अब हम इसे रोटेट कर देते जेड एक्सिस में कुछ इस तरह से एंड वापस से कैमरा व्यू में आते तो पीछे हमारा वो डार्क वाला है तो हम उसे थोड़ा सा इधर मूव कर देते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा वो डार्कनेस जो हमारे सीन में आ जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। अब दोस्तों लाइटिंग की बात आती है तो यहाँ पर टू पॉइंट लाइट करेंगे, एक यहाँ से लाइट होगा एक यहाँ से लाइट होगा। तो पहले बैकग्राउंड से एक लाइट ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा एरिया लैंप आ गया, इसे हम रोटेट कर देते हैं एक्स एक्सिस में कुछ इस तरह से एंड इसे हम कैमरा से बाहर करेंगे ताकि ये जो हमारे सीन में लाइट है इसका अलग से ना आए, सिर्फ इसका मतलब बॉर्डर्स ना दिखे, ठीक है। अगेन वापस से मैं टॉप व्यू में आऊँगा प्रेस करके 7 एंड इसे डुप्लीकेट करूँगा, इधर मूव करूँगा एंड इस तरह से कुछ से मूव करके यहाँ पर ऐड कर दूँगा, ठीक है। अभी दोस्तों इन दोनों को आप सिलेक्ट कीजिए एंड ऊपर मूव कीजिए थोड़ा सा इस तरह से एंड अब हम दोस्तों इसे रेंडर करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर सेट करूँगा साइकल्स इंजन को एंड CPU की जगह मैं GPU यूज़ करूँगा एंड अपना जो है 32 व्यू पोर्ट के लिए रख रहा हूँ एंड फाइनल रेंडर के लिए मैं रखूँगा 120 या 250, दोनों में से कुछ भी एक आप रख सकते हैं। अब हम इसे रेंडर करके देखते हैं एंड ये देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से सीन हमारा बन गया है। मैं इतने सीन को जो है क्रॉप कर लेता हूँ Ctrl+B प्रेस करके एंड अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा लाइटिंग के साथ चेंज करना है। लाइक लाइटिंग वैसे तो बढ़िया है पर स्टिल मैं यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ाऊँगा। लाइक अभी ये 10 पर है, मैं यहाँ पर 15 कर देता हूँ, एक काम करते हैं हम 20 कर देते हैं, ठीक है। पीछे वाला लाइट है दोस्तों, पीछे वाले लाइट के साथ भी आप चेंजेस कर सकते हैं 20-50 जैसा आपको रखना रखिए। आपको अगर अपनी शेडो शार्प करनी है तो आप इस तरह से साइज़ थोड़ा छोटा कीजिएगा एंड शेडोज़ को अगर आपको सॉफ्ट बनाना है देन आप अपने इस तरह से साइज़ को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। एंड देख सकते हैं हमारा सीन तो बन चुका है, अब इसे हम रेंडर कर देते हैं। रेंडर की बेस्ट सेटिंग्स मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर आपको जो सैम्पल्स है 250 कर दीजिए मैक्सिमम लाइट पाथ में। यहाँ पर जो ट्रांसमिशन इसको 4 पर सेलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा स्क्रोल डाउन कीजिए कॉस्टिक्स में, इन दोनों को बंद कर दीजिए, फास्ट जी अप्रोक्सीमेशन चालू कर दीजिए एंड परफॉर्मेंस में आइए। यहाँ पर अभी है टाइल साइज 2048, यहाँ पर आप इसको 16:16 कर दीजिए, दैट इज़ 256। इसे रेंडर कर लेते हैं, सो रेंडर के लिए हम यहाँ पर रेंडर इमेज पर क्लिक करेंगे एंड ये रेंडरिंग यहाँ पर देख सकते हैं चालू हो गई, बहुत फास्ट हो रहा है क्योंकि मैं GPU यूज़ कर रहा हूँ। ऑल द भी रिकॉर्डर के कारण ये थोड़ा सा स्लो ही है बट स्टिल जो भी स्पीड है बढ़िया है, इसे हम रेंडर हो जाने देते हैं पूरा। ओके दोस्तों तो यहाँ पर ये देख सकते हैं रेंडर हो चुका है जिसने 1:36 लिए। अब हम आएंगे कंपोजिशन वाले टैब में, यहाँ पर हम चालू करेंगे यूज नोट्स को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था आप नोट रैंगलर चालू कर लीजिएगा ताकि आप कंट्रोल पर शिफ्ट कर इस पर लेफ्ट क्लिक करें तो ये आपके सीन में कुछ इस तरह से दिख जाए एंड इसे मैं फिर से वहाँ पर रख देता हूँ। अब मैं दोस्तों V प्रेस करूँगा ताकि थोड़ा सा जूम आउट हो जाए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे ग्लेयर नोट। दोस्तों आज मैं जो कंपोजिशन बता रहा हूँ यही मैं आने वाली वीडियोज़ में यूज़ करूँगा, सो आगे से मैं इस पार्ट को स्किप कर दिया करूँगा ताकि मेरा ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। ग्लेयर नोट में हम यहाँ पर हाई सिलेक्ट करेंगे। आई गेस दोस्तों ग्लेयर यहाँ पर ज़्यादा नहीं आया तो आप एक काम कीजिएगा फिर से रेंडर कीजिएगा थोड़ा सा लाइट की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर, ठीक है। बाकी मैं फिर से रेंडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो वापस से टाइम लेगा। इसके बाद हम इसे डुप्लीकेट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर स्ट्रीक्स की जगह फॉग ग्लो सेट कर दीजिएगा बट अभी काम नहीं कर रहा तो हम इसे हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ऐड करेंगे एलिप्स मास्क। एलिप्स मास्क से क्या होगा दोस्तों, हम विग्नेट को ऐड करेंगे। अगेन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, अगर आप जो फोटोशॉप यूज़र हैं या फिर आपको आता है वीडियो फोटो एडिटिंग अलग से करना देन आप वही कीजिएगा, आप इस सारी जो स्टेप्स हैं इनको आप मूव लीव कर दीजिएगा। अब हम ऐड करेंगे एक मिक्स नोड, इसके बाद हम ऐड करेंगे एक ब्लर नोड, ये यहाँ पर आ गया। मास्क को कनेक्ट कर देंगे हम इमेज से एंड यहाँ पर गॉशियन को कर देंगे हम फास्ट गॉशियन एंड एक्स एंड वाई कॉम कर देंगे 700। यहाँ पर दोस्तों अपनी विड्थ और हाइट को इस तरह से सेट कीजिए कि आपके इस पूरी तरह से सीन को कवर कर ले। अब हम इमेज को दोस्तों इमेज इस नीचे वाले से कनेक्ट करेंगे, यहाँ से लाकर एक इमेज ऊपर वाले से कनेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर मिक्स की जगह हमें यूज़ करना है मल्टीप्लायर को जो कि यहाँ पर है एंड इस वाले मल्टीप्लायर से अब यहाँ पर व्यूअर नोड कनेक्ट कर देते हैं एंड इमेज को भी कर देते हैं एंड देख सकते हैं विग्नेट आ गया। इसके बाद आप यहाँ पर लेंस डिस्टॉर्शन को ऐड कर दीजिएगा।
लेंस डिस्टॉर्शन से आप डिस्पर्जन ऐड कीजिए यहाँ पर 0.01 करके। आपको अगर इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं है दिखता है तो आप 0.1 करिए एंड आपको दिखेगा साइड में कैसा इफेक्ट देता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये ग्लिची टाइप में इफेक्ट देता है, ठीक है। तो ये लेंस डिस्टॉर्शन होता है, बट ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं अपनी सीन में, ये थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा रखता है। इसके बाद आप चाहें तो जिटर यूज़ कर सकते हैं, जिटर से आपके इस थोड़ा सा ग्रेन्स आ जाएगी, देख सकते हैं आप, ये भी रियलिज्म को बढ़ाती है, ठीक है। तो आपके ऊपर है, अपने जितने आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं वो कीजिए एंड अपने सीन को जितना ब्यूटीफुल हो सकता है उतना बनाइए। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम कंप्लीट करते हैं एंड आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो को समझाया होगा एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्रोडक्ट की रेंडरिंग के साथ। जब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।